अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए रिव्यू है होंडा CG125 2021 मॉडल। बाइक की फ्रंट लाइट की बात करें तो बाइक में आपको फ्रंट पे स्टैनले का बल्ब मिल जाता है, नीचे आपको फ्रंट पे होंडा की लेबलिंग मिल जाती है। साइड इंडिकेटर्स की बात करें तो वही ओल्ड स्कूल होंडा CG125 के आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये बाइक की एक फ्रंट से लुक है। बाइक के फ्रंट पे आपको टू वे स्पोक शॉक्स मिल जाते हैं। फ्रंट पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। 18 इंचेस का स्पोक्स रिम है बाइक में और फ्रंट पे आपको मेटल का मड गार्ड मिल जाता है। बाइक के टायर की बात करें तो आपको इसमें पेंसर कंपनी का टायर मिल जाता है। उसकी प्रोफाइल की बात करें तो 2.50 18 इंचेस का बाइक में आपको रिम मिल जाता है। ये आप एक ड्रम की फ्रंट ड्रम की क्वालिटी दे सकते हैं बाइक की। साथ ही ये स्पोक्स रिम है। बाइक के साइड ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें इन्होंने काफ़ी खूबसूरत से ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और सेंटर में आपको होंडा का लेबल मिल जाता है बाइक का। ये यूरो टू की लेबलिंग है बाइक पे और साइड कवर पे भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरत CG125 इन्होंने मेंशन की है। इसकी फ्यूल टैंक की आप एक ऊपर से लुक दे सकते हैं। बाइक के स्पीडोमीटर की बात करें तो उसमें आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, साथ आपको इंडिकेटर्स, न्यूट्रल, सारी गाइडेंस इसमें बाइक की आपको मीटर में मिल जाती है। साथ ये ग्रिप्स हैं, एक्सेलेटर, फ्रंट ब्रेक, साइड व्यू मिरर, ये सारी ऑप्शंस इसमें मिल जाती है। साथ बाइक में आपको हाई लो, बाइक पार्किंग, साथ नीचे आपको जो है बाइक में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, लेफ्ट राइट ये आप इसको कर सकते हैं, और नीचे आपको हॉर्न मिल जाता है बाइक में। अगर हम होंडा CG125 के सीट की बात करें तो इस बाइक का वही ओल्ड स्कूल सिटिंग स्टाइल है। और अगर हम इसके कम्फर्ट की बात करें तो विद इन सिटी ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रूट्स के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाइक की बैकलाइट की बात करें तो बाइक में आपको बैकलाइट में स्टैनले का बल्ब मिल जाता है और बैक फेंडर भी इसका हार्ड मेटल में है और ये बैक मडगार्ड की एक लुक है। साथ अगर हम बात करें इस बाइक के साइलेंसर की तो इसमें आपको सिल्वर ब्लैक कोटेड आपको साइलेंसर मिल जाता है। बेसिकली ये हीट रेजिस्टेंट होता है कि बाइक में आपको हीट का कोई इसमें मसला नहीं होता। साथ अगर हम बात करें इस बाइक के बैक टायर की तो इसमें आपको बैक पे पैंथर कंपनी का इसमें आपको जो है टायर मिल जाता है। और अगर हम इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 3.0017 इंचेस का बैक पे आपको रिम मिल जाता है। फ्रंट पे आपको 18 मिल जाता है, बैक पे आपको 17 का मिल जाता है। बैक पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं और ये इसके शॉक्स हैं, सिंपल शॉक्स हैं, एडजस्टेबल शॉक्स नहीं है इस बाइक में। और ये बैक स्पोक्स रिम की एक लुक है। साथ इसके बैक टायर की आप ये ट्रेड देख सकते हैं, ये ऑफ रोड भी इन सिटी भी चल जाते हैं और ये ऑफ रोड भी चल जाते हैं। ये देखें ज़िगज़ैग काफ़ी अच्छी इसकी ट्रेड है बैक टायर की। बाइक की साइड की बात करें तो इसमें आपको सिल्वर कलर का चेन कवर मिल जाता है और ये साइड कवर की एक लुक है। साथ ही आपको रिजर्व किट मिल जाती है, ऑन ऑफ रिजर्व 2 लीटर्स में इसका आपको रिजर्व मिल जाता है। बाइक इंजन की तरफ चलें तो इसमें OHV टेक्नोलॉजी का बाइक में इंजन मिलता है और ये यूरो 2 किट है बाइक में एक लगी हुई। और ये इसका फ्रेम है जो बेसिकली काफ़ी हद तक वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर लेता है। OHV टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है तो ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। अगर हम इस बाइक इंजन टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली OHV इंजन बना हुआ है। बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपको ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करेगा लेकिन इतनी ज़्यादा आपको अच्छी फ्यूल एवरेज नहीं देगा। अगर एंड में बात करें इस बाइक की प्राइस की तो होंडा CG125 2021 मॉडल आपको 136,500 में अवेलेबल हो जाएगा, 136,500 में।